वेलकम टू माय चैनल अर्जनास आर्टी हब हाँ इस वीडियो में मैं कुछ ये मेरी साइज़ हैं इसके बारे में आपको बताऊँगी इसमें कुछ प्योर सिल्क की साइज हैं और कुछ खोसा सिल्क की साइज हैं तो इनमें मैंने प्रिंटिंग खुद किया है घर पे तो इसके बारे में बताऊँगी यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो आपको पता लगेगा सब साड़ीज़ के बारे में तो ये देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये मेरी सिल्क की साड़ी है प्योर सिल्क है इस पर मैंने ये वाइट प्रिंट किया है फिरोज़ी कलर है डार्क फिरोजी कलर तो इस पर मैंने ये एक खड़ी प्रिंट बोलते हैं इसको आप इसमें हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा इसमें टेक्सचर फील करेंगे आप थोड़ा दर दरा सा तो ये खड़ी प्रिंट है उसमें बॉर्डर और सब पल्लू बनाया था इसमें भी ये ये ब्लॉक प्रिंटिंग है जो नॉर्मल कलर्स होते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के तो इसमें बॉर्डर बनाया है पल्लू बनाया है ये पल्लू है पूरा पल्लू में बूटियाँ दी हैं और ये बॉर्डर को इस तरह से फिनिश किया है बॉर्डर को दो तरफ करके पल्लू को और फिर उसके बाद ये ऑल ओवर बॉर्डर है नीचे और एक एक लाइन ये छोटी चुट छोटी बूटियाँ है तो इस तरह से ये देखिए ये इस तरह से ऑल ओवर है नीचे छोटी छोटी बुटी है एक लाइन की अब ये देखिए ये सिल्क है प्योर तो इसमें मैंने ये इसमें बीच में रेड कलर है किनारे पे येलो है तो मैंने एक पतली बॉर्डर दी है रेड और येलो एक बहुत ही ऑस्पिशियस कलर्स है पहनने में पूजा में अच्छा लगता है ये देखिए ये कोसा है कोसा सिल्क तो उसमें ही कुछ सेल्फ में टेक्सचर है बस तो ये बूटियाँ देखिए बूटिया दिए हैं बड़े बड़े बॉर्डर है इसमें ये मैंने गोटा पत्ती का बॉर्डर लगाया है तो ग्रीन कलर पूरे में यूज़ किया है बूटीज़ में ब्लॉक्स भी हैं फिर मैंने इससे मैच करने के लिए इसमें ऊपर से सिल्वर कर दिया है सिल्वर कलर का जो सिल्वर टच है कलर का जो टचिंग किया है ऊपर से तो ये देखिए अलग से एक सुंदर दिख रहा है बहुत और नीचे ये जो पूरा बॉर्डर किया है चारों तरफ ये दो लाइंस दी हैं इस तरह से करीब आठ नौ इंच का बॉर्डर आ रहा है चौड़ाई का नीचे और दो इंच बॉर्डर ये भी है बॉर्डर भी तो इस तरह से बहुत सुंदर लग रही है अब ये देखिए ये साड़ी है इसे बहुत बारीक प्रिंट किया है इसमें ये देखिए बेल ये पूरे बॉर्डर है बेल दिया नीचे बॉर्डर है उसी का मैंने पल्लू पर लाइन्स दी हैं ये देखिए इस तरह से पूरा और ये जो बूटियाँ हैं ये तो ऑल ओवर डाली हैं बहुत सुंदर लग रही है साड़ी और पूरे चेक्स हर जगह देखिए ऑल्टरनेट एक छोटा सा लिया है फुल और एक थोड़ा सा बड़ा दोनों को ऑल्टरनेट लगाया है मैंने ऑल ओवर है पूरा भरा हुआ है और ये बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद देखिए पूरे में प्रिंट है ये सारा ब्लॉक प्रिंटिंग मैंने घर पे किया है मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था ब्लॉग पेंटिंग के बारे में तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं थोड़ा आसान होता है लेकिन थोड़ा दो चार बार कर लेंगे तो फिर साड़ीज़ वगैरह में हाथ बैठ जाएगा अच्छे से सफाई आएगी ये देखिए अभी दूसरा ये कोसा सिल्क है ये इसका बेस कलर है जो क्रीम कलर इस तरह का लिया मैंने फिर ये बीच में मैंने पूरा पिंक शेड इसको डाई करवाया है फिर इसी पिंक को मैच करते हुए मैंने कलर बनाया और ये देखिए पूरा मैंने इसमें बॉर्डर और पूरा पल्लू भरा हुआ है भरता पूरा पल्लू ये देखिए पूरा भरा हुआ है ये कितना सुंदर लग रहा है ये फ्रेंड्स निकलता नहीं है जैसे कोई कई लोग मेरे को बोलते हैं ये निकलेगा तो नहीं ये ब्लॉक प्रिंट निकलता नहीं है इवन बेड शीट्स पे बेड कवर्स पे भी करेंगे वॉश होते रहेंगे लेकिन कभी नहीं निकलेगा ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है साड़ी इस प्रिंट को देख के अलग से कोई देखे नहीं बताए तो समझ में नहीं आएगा कि आपने घर पे किया है ये सिल्क है ये प्योर सिल्क है इसमें भी ये वाइट सिल्क लिया मैंने ये फ्रोजी बीच में इसको करवाया है इसका पल्ला और बॉर्डर वाइट रखा फ्रोज़ी डाई किया है और फिर पल्ला और बॉर्डर पर मैंने पहले वाली साड़ी की तरह इसमें पूरे में ब्लॉक प्रिंटिंग किया है ये बहुत एलिगेंट और एक बहुत ही सुंदर लुक लगता है इसमें बहुत सुबर और सबसे ज़्यादा खुद की बनाई हुई है तो अच्छी लगती है देखिए बहुत सुंदर लग रही है इस तरह से हाँ ये एक ये देखिए मैंने भी आपको ये सात साड़ीज दिखाई ये देखिए सब ब्लॉक प्रिंटिंग है डिफरेंट डिफरेंट कहीं तो पल्लू में बिखरी बूटियाँ हैं कभी पल्लू पूरा भरा हुआ है कहीं बारीक बॉर्डर है बॉर्डर के साथ बूटियाँ भी हैं इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं ये देखिए तो यदि मेरा चैनल प्लीज़ यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो